कोविड-19 के पालन के दौरान सराफा व्यापारी के साथ हुई बदसुलूकी के मामले में सर कोतवाली का घेराव चक्का जाम कर रहे व्यापारियों को आंदोलन अराजक तत्वों की भीड़ चढ़ गया। काम होते ही अराजक तत्वों ने कोतवाली परिसर में हमला बोल दिया। इतना ही नहीं, कोतवाली के गेट को क्षतिग्रस्त करने के साथ ही पुलिस पर पथराव किया गया। इस पथराव में कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ को तितर बितर किया। तनाव को देखते हुए आधा दर्जन थानों की पुलिस फोर्स के साथ 2 प्लाटून PSA की तैनाती की गई है। हरिया बाबू जो तोड़फोड़ करी है, देखिए कुछ व्यापारी लोग आए थे, उनके साथ कुछ अराजक तत्व और आ गए थे, उन्होंने कुछ यहाँ पे कुछ तोड़फोड़ करने की कोशिश करी है, तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो। सर कुछ सर कोतवाली परिसर में जिस तरीके से अराजक तत्वों ने हंगामा किया है, कोतवाली परिसर में तोड़फोड़ किया है, मारपीट किया है, क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए आज मास्क की चेकिंग चल रही थी, कोविड के जो नियम है, प्रोटोकॉल है, उसका पालन कराया जा रहा था। तो वहाँ पर एक व्यापारी से विवाद हुआ, उसके बाद व्यापारी कोतवाली परिसर में आ गए थे। उनके साथ कुछ अराजक तत्व उनके घुले मिले होने के कारण उनके आ गए, और उनमें डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि व्यापारी वर्ग कोतवाली मौजूद था और उनसे बार बार अपील की गई थी कि आप लोग अपने आप को अलग कर लें। कुछ अराजक तत्वों ने यहाँ पर नारेबाजी, हंगामा करना शुरू किया, उन्हें कोतवाली से हटा दिया गया था, और व्यापारियों से बात हो गई है, और व्यापारियों से अच्छे माहौल में बात हुई है, और हमेशा व्यापारियों का सहयोग रहा है, पुलिस द्वारा भी उनका हमेशा सहयोग किया गया है, और सभी व्यापारी घर चले गए हैं, और जो उनका उन्होंने एक हमें कंप्लेंट की है, वो कंप्लेंट ले ली गई है, और जो व्यापारी था उसका मेडिकल कराया गया है। सर जैसा कि गेट बीच पे खड़ा होकर लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जिलाधिकारी के स्क्वाड की भी गाड़ी तोड़ दी गई है, ये कौन लोग थे और किस तरीके से? देखिए पूरी उसकी वीडियोग्राफी कराई गई है, और CCTV फुटेज और बाकी चीज़ें भी हमारे पास मौजूद हैं, थाने में लगा हुआ है, उन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा, और व्यापारी वर्ग से अलग जो इस तरह की जिनकी एक्टिविटी होगी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई मुकदमा पंजीकृत करके की जाएगी। ठीक है।